हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 30 जून 2 जून 2019 है और जो अपडेट लेके आया था वो था निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक देखेंगे आप जो क्लोजिंग दिया है 31 तारीख को, मेंड की जो क्लोजिंग है वो 31,700 375 पे क्लोजिंग दिया है। एडवांसेस 2 हैं, डिक्लाइन 10 है। तो क्या करना चाहिए, 31,375 पे क्या हो? अभी 31,375 की क्लोजिंग दिया तो क्या होना चाहिए? आप इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक शॉर्ट समरी में बता देता हूँ। बाकी आप इसको अगर आप देखें, एक रेसिस्टेंस है इसका 31,260 पे, इसका पाइवोटल पॉइंट है, और जो स्टॉप लॉस है इसका S1 जो है 30,738 पे, और जो रेसिस्टेंस है इसका 31,800 पे है। तो 30,700 से 31,800 पे हो सकता है आपको ये निकलते हुए दिखे, और अगर ये ब्रेक करता है, जिस और भी ब्रेक करेगा वहां से 500 पॉइंट 600 पॉइंट आपको दोनों तरफ दिखेगा। मीन्स उसके बाद जो सपोर्ट है 30,122 है और 29,601 है। तो अभी जो है पिवोटल पॉइंट इसका 31,260 है, नीचे की ओर 30 तोड़ता है तो 30,700 जा सकता है, ऊपर की ओर 31,800 जा सकता है। और अगर मंथली रेंज पे चले, मंथली बेसिस पे चले, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 29,930,000 का पिवोटल पॉइंट है, ऊपर जाए तो 30,478, इसको क्रॉस करता है तो 31,199 रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट है इसको 29,243, 28,721, 28,000। मीन्स पूरे मंथ जो है आपको निकल सकता है 28,000 से 31,712, इस रेंज में आपको पूरा मंथ निकल सकता है। तो चलिए, ये तो लंबा हिस्ट्री हो गया, ऐसे कोई फायदा है नहीं। तो अपने को क्या करना चाहिए, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो वीकनेस दिख रहा है, डिक्लाइन 10 है तो थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, और निफ्टी बैंक में भी कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहें तो 31,300 पे एक इसको सपोर्ट मिल सकता है, जब मिला हुआ है तो 31,244 पे इसको यहाँ पे आके एक सपोर्ट मिल सकता है। आप देखेंगे तो ये डेली बेसिस का चार्ट है, और डेली बेसिस पे देखिए यहाँ पे पहले उसने यहाँ बल्क, ये जो फॉल था 31,623, ये जो लो बनाया था 30,623, ये पूरा ये एक स्टिक था खाली, हो सकता है किसी रेंज में बहुत दिन निकाल दे, ये एक वीक तो एटलीस्ट, जब तक आरबीआई का फंक्शन नहीं होता तब तक 30,623 तो मुझे नहीं लग रहा है कि टूटेगा ये, आरबीआई जब तक अपने स्टिक को नहीं देती है। लेकिन ये कोई 31,375 भी क्रॉस करना थोड़ा टफ दिखता है, और अगर 31,783 की तो क्लोजिंग है, 31,783 जो इसने हाई बनाया, ये हाई अब हाई ही रहेगा, और इधर हाई आप टूटते हुए नहीं दिख रहा है, नीचे की ओर 30,623 भी टूटते हुए अभी रिसेंटली नहीं दिख रहा है दोनों केस में। तो अगर 30,600 पे जाता है तो हो सकता है कि फिर वहां से पुला पाके वापस ऊपर की ओर चला जाए। तो रिसेंटली अभी अप टू नेक्स्ट वीक तक लगता है 30,623 नीचे की ओर है, जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ से ये ऊपर ले लेगा। फिर भी चाहें तो आप 31,244 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो। आपको एक लॉन्ग नज़रिए से एक चीज़ बताना था, एक डाटा शेयर करना था आपके साथ। निफ्टी बैंक का जो जितने इसमें 12 शेयर होते हैं, आपको दिखाया यहाँ पर निफ्टी टोटल में कितने शेयर है, ये देखिए टोटल आते हैं इसमें 12, एडवांसेस 2, 10 बिक रहे हैं, और ये जो आते हैं इंडस्ट्रियल एक्सिस, SBI, फेडरल, HDFC, RBL, कोटेक, ICICI, IDFC, फर्स्ट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और YES BANK, ये लोग आते हैं। अगर मैं इसका एवरेज प्राइस अर्निंग देखूँ, या प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ, या डिविडेंड यील्ड देखूँ, तो एक चीज़ इसमें आपको देखने लायक जैसी है कि 2015 में इसकी प्राइस टू अर्निंग जो अर्निंग है, और उसका जो प्राइस मांग रहा था वो टोटल जो भी बैंक थे वो 18 थे, 18 टाइम्स मांग रहा था अर्निंग का। 16 में 23 मांग रहा था, 17 में 28 मांग रहा था। 2018 में क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकेंड तक देख लें, जहां पे इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी इंक्रीज कर रही थी, तो वो 32 पे आके खड़ा हो गया, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपकी 3.12 हो गई। अभी सितंबर 18 से आप देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू उसकी डिक्रीज कर रही थी, और वो कहीं ना कहीं मार्केट में अपसाइड जा रहा था, हो सकता है वो इलेक्शन के चक्कर में इसको अपसाइड लेके जाया जा रहा हो, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं की, इनफैक्ट अभी अक्टूबर में वापस 2.84 के आसपास आ गया, और रिसेंट जो क्लोज किया अभी मई में
वो 3.37 चल रहा है जून, अभी जो क्वार्टर क्वार्टर में जो अभी क्लोज किया है, तो अब क्वार्टर वन में देखेंगे तो जनवरी, और क्वार्टर टू की बात करें 19 की, तो मई में जो क्लोज किया है अभी, बुक वैल्यू जो आ रहा है 3.36 आ रहा है, अप्रैल में जो आया 3.36, मई में अभी जो आ रहा है 3.38 के आसपास। मीन्स बुक वैल्यू अगर आपका 3.36 और 3.8 है, 38 है, जो कि पहले भी था, तो अब 3.12 यहां पे भी था, तो बुक वैल्यू तो आपका 3.37 रहा, बहुत इतना नहीं बढ़ा, लेकिन इसके जो प्राइस टू अर्निंग है आप देखेंगे 32 का 62 हो गया। मीन्स उसकी इनकम उतनी नहीं, बुक वैल्यू उनकी एसेट इंक्रीज नहीं की, अगर उनका इनकम बढ़ता तो कहीं ना कहीं उनकी एसेट वैल्यू बढ़ती, तो वो नहीं बढ़ रही है, बुक वैल्यू उसकी नहीं बढ़ रही है, उसकी आप अर्निंग प्राइस टू अर्निंग देखें तो डबल हो जाता है। तो अगर कोई हिडन इनकम है, हिडन प्राइस है जो कि सरप्राइज चेंज होने वाला है, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन आप मान के चलें कि बैंक निफ्टी में जब भी फॉल आएगा उसको वापस उसकी अर्निंग के 32 से 35 लाना ही पड़ेगा। मीन्स क्वार्टर टू में अप्रैल 18 के आसपास जो उसकी वैल्यू होगी, लगभग उसी अर्निंग पे आपको जाते हुए दिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके हिस्टोरिकल डाटा को देखूं, और ये निफ्टी इंडिसेस से ही है, मैं कोई कहीं और से लेके नहीं आ रहा था, और अगर मैं इसके मंथली रिपोर्ट्स को देखूं, निफ्टी के डाटा के मंथली रिपोर्ट को देखूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी, अगर मैं जाके यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, निफ्टी बैंक सेलेक्ट करता हूँ, और अप्रैल 18, मैंने आपको क्या बताया कि अप्रैल 18 के आसपास जो होगा वैल्यू वो, तो अप्रैल 18 में एक बार जाके यहाँ पे देखते हैं, अप्रैल 18, तो 30 अप्रैल को ले लेते हैं, 30 अप्रैल 18 के आसपास इसमें क्या वैल्यू थी, क्या इंडिसेस चल रहे थे। तो अगर आप जाके देखेंगे 30 अप्रैल 2018 के आसपास, ये 25,500 बता रहा है, इतना नीचे तो नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 27,000 जरूर जा सकता है। आप अगर चलो अप्रैल 18 में जून जुलाई अगस्त तक ले लेते हैं एक, तो 26,000 के आसपास आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे 26,000 के रेंज में ये है, और 17 जुलाई को 27,000 है, मीन्स 25 से 27 का रेंज आता है, तो एवरेज निकालें तो 26,000 के आसपास आना चाहिए। तो एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, कल यही चीज़ बताना था कि यहाँ पे वो 25-26-27,000 चल रहा था, और आज वहाँ से आपको 31,000 पहुँचा चुका है, और यहाँ पे जब था तो अप्रैल 18 के आसपास जब इसकी 35 थी, तो अगर वो मान लो 26,000 था, 26,000 के आसपास था, और आज आपके पास 31,400 है, ये 62 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है 31,400, तो आपको कहीं ना कहीं डबल है, फिर भी ये उतना फॉल उसके अनुसार तो नहीं दिखाएगा, बट 26,000 चला जाए तो 3,000-4,000 पॉइंट का आपको यहाँ पे कभी भी पॉइंट गिरते हुए बैंक निफ्टी में दिखाएगा। तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ओपिनियन है कि लॉन्ग करना अब इसमें थोड़ा खतरनाक है। ये जो भी हिस्टोरिकल डाटा है ये निफ्टी से लिया हुआ है, जैसा आपको दिखाया मैंने, यहाँ पे दिखाया मैंने, ये डाटा इसी से पिक किया हुआ है, सारा डाटा यहीं पे से लिया हुआ है। तो अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे तो हिस्टोरिकल डाटा में ही, इंडेक्स पैक मंथली रिपोर्ट में जाएंगे इसमें, तो रिपोर्ट्स में हिस्टोरिकल डाटा में यहीं पे आप खोजेंगे तो सब प्राइस अर्निंग वगैरह सारा डाटा इसी में आता है। हाँ, ये इंडिसेस, थीमेटिक इंडेक्सेस भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इंडेक्स रिपोर्ट्स में यहाँ पे मंथली एक्सिट डेली रिपोर्ट से भी आप चाहेंगे तो यहाँ पे डेली रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट से मंथली रिपोर्ट्स में भी है, इंडेक्स डैशबोर्ड, फिक्स इनकम प्राइस अर्निंग कॉस्ट रिपोर्ट, नहीं ऐसे नहीं था, इंडेक्स फैक्टशीट में था, नहीं हिस्टोरिकल डाटा में ही था, और सॉरी हिस्टोरिकल डाटा में, हिस्टोरिकल डाटा रिपोर्ट्स में आपको हिस्टोरिकल डाटा में ये पी डिविडेंड यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे चेंज करना रहता है,
तो आप जाएंगे और यहाँ पे आप ले लीजिए बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, और आप ये पीरियड सबमिट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे पीरियड चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे 18 ले लीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो आपको पी पी बी और डिविडेंड ईयर परसेंटेज आपको यहीं से आ जा रहा है, जो 31 मई को 64 बता रहा है। वो प्राइस टू बुक वाले 3.453 बता रहा है, 0.40 बता रहा है। तो ये मेरा कोई डाटा नहीं है, ये यहीं से कंबाइन किया हुआ है और इसको पाइवट पे कंपाइल किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो आपको वापस मार्क इतना आपको खुद लग रहा है क्या, जब यहाँ 35 था और 35 से अभी आपको 64 दिख रहा है, 63 दिख रहा है, और जबकि उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 2.9 3.18 से, अब क्वार्टर टू को भी कंबाइन 3.12 से, अब सीधा आपको 3.37 आया, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है प्राइस टू, और इंडेक्स इतना बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको गिरावट आते हुए दिखेगी, और ये सितंबर 18 से जो बूम आया है ये आपको रिकवर होते दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में एक कॉशियस पोजीशन, ये आप मैं को डराने के लिए नहीं बता रहा था, मुझे कोई शौक नहीं है डराने का, लेकिन 31783 जो दिखाया, अब ये हाई, इसका शायद हाई मेंटेन रहेगा, अब शायद इसको क्रॉस ये नहीं करेगा, और नीचे की ओर पहला सपोर्ट चाहें तो आप 31200 की ओर लेके चलें। और अगर चाहें कोई भी, तो मैं दो चीज़ यहाँ पे निकाल के रखा था, एक 6 जून की एक्सपायरी जो 31375 है, अगर इसको जा कर के देखें, एट द मनी देखें 31300 पे, तो आप देखेंगे पुट साइड में बाइंग हो रही है, कॉल साइड में शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। और 31500 भी 3,78,000 का है, और 32000 पे 6,50,000 का, और ऊपर की हर पोजीशन पे अच्छी खासी वॉल्यूम से 2,72,000 या 1,38,000 से शॉर्टिंग पोजीशन बन रही है। तो कोई भी चाहे तो 31300 जिसकी ट्रेडिंग प्राइस 254 है, LTP लास्ट ट्रेड प्राइस है, इस पे ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा क्या रहेगा कि अगर आप इसकी मंथली वाली जाकर के ले लें, और मंथ 27 जून की अगर एक्सपायरी वाली ले, जो कि 31375 27 जून वाला जाकर के देखें, तो 27 जून वाला जो 31300 है, और यहाँ से अगर आपको, अगर आप यहाँ पे 31000 का भी 427 वाली जो पुट रहता है उसको लेते हैं, बेहतर तो 31300 वाला है, तो 540 में आपको लास्ट टिकट प्राइस ये मिलता है, तो आपको नीचे की ओर बहुत अच्छा स्कोप और दिखने को आपको मिलेगा, 540 से जो नीचे की ओर है। तो ये एक अच्छा ट्रेडेड वैल्यू है और आपको यहाँ से दिखा सकता है। तो पुट की ओर 31300 में आप चाहें तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, ऊपर की ओर केवल शॉर्ट की पोजीशन बनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको शॉर्ट की ओर नहीं रहना चाहिए, कॉल की ओर नहीं रहना चाहिए, पुट की ओर पोजीशन देख सकते हैं इसमें। तो इनफैक्ट मैंने बहुत सारी चीज़ आपके लिए लाया था, इंडेक्स रिटर्न के लिए लेके आया था, लेकिन वीडियो लंबी ज़्यादा बन जाएगी तो उसको हम नहीं करके हमने आपको यहाँ पे, इससे यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़ा, अगर इसको 5 आवरली चार्ट पे भी देखेंगे तो 31055 पे आप देखेंगे इसका डेमा, 31 का 21 दिन का डेमा है जो कि सपोर्ट लेता है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी 31000 अगर ब्रेक करता है, 31250 तो अभी शॉर्ट टर्म, 31000 अगर ब्रेक करता है तो आपको ब्रेक देखने को मिल सकता है 30600, और 30600 ब्रेक करता है तो वापस आपको 30000 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो आपको जैसे बताया, लेकिन इसको 28000 लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 28895 में से 29000 पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आपको 27000 जाते हुए कोई नहीं रोक सकता है। और अगर 5 आवरली चार्ट पे देखें तो अगर इसको मैं RSI भी देखूं तो RSI भी आप नीचे की ओर पोजीशन बता रहा है, तो वीकनेस ही दिख रहा है सिग्नल बैंक निफ्टी में। तो आपको जैसे मैं प्रीवियस स्ट्रेटजी बताया था, हर 500 पॉइंट फॉल के बाद, अप के बाद, आप इसको सपोर्ट की पोजीशन बनाए, और चूंकि इसकी एक्सपायरी 27 जून को है तो आपको पहला लॉट लेना है 31300 का, लेना 540 पे, और यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वापस आपको एक उससे ऊपर जाकर के 500 पॉइंट 31800 का लेना है आपको, जो यहाँ की वैल्यू होगी लगभग ये भी वैल्यू वापस उस समय 400 से 500 की होगी, ऐसे तीन लॉट में आपको लेने हैं। और अगर आपने लिया 31300 उसके बाद नीचे ही जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट बुकिंग करना है, फिर वापस लॉट एक्विजिशन नहीं करना है। इसमें क्या होता है, आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो ज़्यादा ट्रैप होते हैं और फिर कोई ट्रेड नहीं कर पाते, कोई पेपर ट्रेड नहीं कर पाते। ये मेरा कोई मार्केट में ट्रेड करने का कोई भी व्यू नहीं है, एजुकेशन नहीं है,
आपको जो भी करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, क्योंकि आपके रिस्क को अच्छे हैपेटाइट को अच्छी तरह से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जानते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।